press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल अवार्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजेता हस्तियों का सम्मान किया। दिवंगत विनोद खन्ना को दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उनकी दूसरी पत्नी कविता खन्ना और बेटे अक्षय खन्ना ने ग्रहण किया। दिवंगत श्रीदेवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये अवार्ड उनके पति बोनी कपूर और बेटी जानवी व खुशी ने ग्रहण किया। श्रीदेवी को ये सम्मान फिल्म मॉम के लिए दिया गया। श्रीदेवी के लिए सम्मान लेते समय बोनी और उनकी बेटियां भावुक हो गई। एआर रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी फिल्में शिक्षा और मनोरंजन दोनों करती है। एक भाषा के रूप में फिल्मों ने हिंदी को काफी सशक्त बनाया है। कोविंद ने श्रीदेवी को याद करते हुए कहा कि उनका जाना उनके लाखों चाहने वालों के लिए निजी नुकसान है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राजवर्धन सिंह राठौड़ ने भी विजेताओं का सम्मान किया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को स्मृति ईरानी ने फिल्म न्यूटन के लिए फीचर फिल्म कैटेगरी में सम्मान दिया गया। शाशा तिरुपति को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। भनीता दास को फिल्म विलेज रॉकस्टार्स के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया। दिव्या दत्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान दिया गया। उन्हें ये सम्मान इरादा फिल्म के लिए मिला। बाहुबली को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का सम्मान दिया गया। गणेश आचार्य को फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड दिया गया। ये उनका दूसरा नेशनल अवार्ड है। गोरी तू लठमार गाने में उन्होंने कोरियोग्राफी की थी।